अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यदि आप कतर में रहते हो और कतर के अहमतरीन खबरों से हमेशा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना स्क्रिप्ट का पूरा देखिए। चैनल पे नए हो या फिर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको दोस्तों फ्री में हमेशा मिलती रहे। तो साथियों, आज की वीडियो में जितनी बहुत अच्छी खबर सुनाने वाला हूँ, यदि दोस्तों आप कतर में रहते हो, यदि आप लोग क्रिकेट देखना आपको पसंद है, तो बहुत ही जल्दी दोस्तों कतर में कतर के क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से घोषणा की गई है कि सितंबर के महीने में दोहा में T20 चैंपियनशिप की मेज़बानी कतर के तरफ से किया जाएगा। यानी दोस्तों वहां पे कतर में भी आपको T20 का वहां पे मैच देखने का आनंद आप उठा पाओगे। दोस्तों सितंबर के महीने में बहुत सारे टीमों के प्लेयर को वहाँ पर चुना जाएगा। लगभग इंडिया से पाकिस्तान बांग्लादेश और भी जितनी भी कंट्रियाँ, सभी कंट्रियों को वहाँ पर प्लेयरों को चुना जाएगा और वहाँ पर क्रिकेट मैच वगैरह को वहाँ पर आयोजन किया जाएगा। तो जो लोग भी क्रिकेट प्रेमी हैं, आप लोग क्रिकेट मैच देखना पसंद करते हो, तो सितंबर के महीने आप लोग कतर में भी क्रिकेट देख पाओगे। अगली अपडेट की ओर साथियों चलते हैं। अगली खबर दोस्तों सारे साथियों, वीडियो के जो महिला की फोटो आप देख रहे हो, साथियों आपको तो पता ही होगा दोस्तों, जितनी भी गल्फ कंट्री हैं, सभी गल्फ कंट्रियों में महिलाओं को बहुत ही कम काम करने के लिए दिया जाता है, पर सऊदी अरेबिया पहली कंट्री है जहाँ पे हर काम महिलाओं को सबसे पहले वहाँ पे करने देने की इजाज़त वहाँ पे दी जा रही है। तो वीडियो के जिनके फोटो देख रहे हैं साथियों, सऊदी अरेबिया की ये महिला है जो कि सऊदी अरेबिया की पहली महिला है जो कि ऑयल इंजीनियर है ऑयल फील्ड में। तो साथियों ये सऊदी अरेबिया की पहली महिला बनी है जो कि ऑयल फील्ड में ये ऑयल इंजीनियर है। तो इसके लिए दोस्तों काफ़ी सोशल मीडिया पे ये वायरल हो रही है क्योंकि ये पहली महिला बनी है। अगली अपडेट की ओर साथियों चलते हैं। अगली खबर दोस्तों जा रही, दोहा पोर्ट रजिस्टर रिकॉर्ड टूरिस्ट अराइवल। साथियों दोहा पोर्ट यानी दोहा का जो बंदरगाह है वहाँ पे टूरिस्ट लोग काफ़ी ज़्यादा आना पसंद करते हैं। तो खबर दोस्तों ये निकल कर आ रही है, जनरल अथॉरिटी ऑफ कस्टम डिपार्टमेंट न्यू पैसेंजर टर्मिनल दोहा पोर्ट एकोमेंडेट अप टू 12,000 पीपल पर डे। यानी दोस्तों हर दिन वहाँ पे 12,000 लोग वहाँ पे आने की उम्मीद बताई जा रही है। इन अप्रैल अथॉरिटी डिस्क्लोज द दोहा पोर्ट अचीव रिकॉर्ड टूरिस्ट सीजन रिगार्डिंग 2,76,600। यानी दोस्तों अप्रैल के महीने में दोहा पोर्ट पर लगभग 2,73,666 विजिटर वहाँ पे पहुँचे, जिनमें से 55 क्रूज भी पहुँचे। क्रूज मतलब दोस्तों सबसे जो बड़ी बड़ी जो शिप वगैरह होती है उसी को क्रूज कहा जाता है। विथ इन इंक्रीज 62% कम्पेयर द प्रीवियस सीजन, यानी पिछले सीजन के मुकाबले इस बार 62% की बढ़ोतरी देखने को मिला है। तो दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छी खबर है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही साथियों अजगाल की तरफ से आ रही है। तो पब्लिक अथॉरिटी अजगाल की तरफ से साथियों रास्ते को बंद करने का अनाउंसमेंट किया गया है। तो पब्लिक अथॉरिटी अजगाल की तरफ से ये बताया गया है, तो पब्लिक अथॉरिटी अजगाल की तरफ से दोस्तों टेम्पोररी लुलू इंटरसेक्शन डी रोड को दोस्तों जुमा से बंद करने का फैसला लिया गया है। तो जो भी आप लोग वहाँ पे पवित्र जो भी आप लोग डी रिंग रोड लुलू इंटरसेक्शन से आप लोग जाने वाले थे, तो रास्ते को बंद किया गया है, आप लोग नहीं जाइएगा क्योंकि कुछ मेंटेनेंस का काम, कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह काम जो है वो चल रहा है। तो दोस्तों ये कुछ खबरें थी, कुछ अपडेट्स थी जो कि कतर से आ रही थी, मैंने अब तक शेयर किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।